आप देख रहे हैं DAA न्यूज, हजारा का सबसे बड़ा न्यूज चैनल। एबटाबाद एक सियाहती मकाम है, हर साल लाखों सयाह यहां का रुख करके पुरफिजा मकामात और बेहतरीन मौसम से लुत्फंदोज होते हैं। यहां के होटल्स और लजीज खाने अपनी मिसाल आप हैं। अगर आप एबटाबाद से वजीरिया मरी रोड गलियात जा रहे हैं तो ठहरिए, चंदियानी बाईपास के साथ ही मजेदार और लजीज खाना खाने के शौकीन अफराद के लिए इनाम खान रेस्टोरेंट का बाएहलाक अमला मुंतजर है। इनाम खान रेस्टोरेंट सब्जाजार में गिरी हुई बेहतरीन आरामगाह है। यहाँ पर मौजूद वसी पार्किंग, साफ सुथरे हवादार डाइनिंग हॉल के साथ साथ हवतीन और फैमिलीज के लिए अलहदा हॉल मौजूद है। यहाँ के लजीज खानों में शिनवारी कड़ाही, शिनवारी टिक्का, चिकन बादामी, काबरी पुलाव, चपली कबाब, बारबेक्यू, सज्जी और दम पख शामिल है। सालन दुम्बा यहाँ की एक मुनफरद डिश है जो सिर्फ और सिर्फ आपको इनाम खान रेस्टोरेंट पर ही दस्तयाब होगी। यहाँ से गुजरने वाले अफराद बेहतरीन नाश्ता जिसमें कोयटा चाय चने और मुख्तलिफ किस्म के मजेदार पराठों से भी लुत्फंदोज हो सकते हैं। सयाह यहाँ के लजीज खाने से लुत्फंदोज होने के बाद गलियात और मरी के लिए ताज़ा दम होकर दोबारा सफर शुरू कर सकते हैं। बाएहलाक अमला इनाम खान रेस्टोरेंट लजीज और मजेदार खानों का मरकज, लज्जत और मयाद का दूसरा नाम इनाम खान रेस्टोरेंट, मरी रोड नजीर ठंडियानी बाईपास, एबटाबाद। IKR की तरफ से मोहम्मद यूसुफ खान मेरा नाम है और मैं IKR का ऑनर हूँ। हमने मरी रोड दरकन हटिया नियर न्यू हवेलिया बाईपास के पास एक सेटअप बनाया IKR के नाम से, और ये हमने बड़ी कोशिश की इधर के लोगों को एक अच्छी सहूलत दिया जाए, क्योंकि मोस्टली हर जगह पार्किंग का मसला है। तो हमने पार्किंग बड़ी वसी रखी है, टूरिस्ट आते हैं उनको एक पार्किंग और एक पुरसकून माहौल चाहिए होते हैं। हमारे IKR में जो है वो आपको हर चीज़ मिलेगी, वॉशरूम्स अच्छे साफ़ सुथरे, साफ़ सुथरा पार्किंग, साफ़ सुथरा माहौल और अच्छा स्टाफ है और अच्छे जायकेदार खाने, क्योंकि हमारे पास प्रोफेशनल कुक है। तो उन जायकों के साथ जब आपको एक वसी पार्किंग मिलती है और फिर अच्छा माहौल मिलता है तो एक ही और एरियो से, तो इंशाल्लाह ये आप लोगों के लिए अच्छा और बेहतर होगा। आप लोग विज़िट करें हमारे IKR पे, इनाम खान रेस्टोरेंट पर। ये होटल जो है आप लोगों को मोटरवे से होके बाईपास से बहुत करीब ही पड़ता है, और यह जितने भी टूरिस्ट आते हैं उनके लिए ठंडियानी जाते हैं, नतिया गली जाते हैं, वो इधर से स्टे करके फ्रेश होके फिर आगे इधर से अपना सफ़र शुरू कर सकते हैं। हमारे पास जो एक बहुत बड़ा मसले पार्किंग का, उसको हमने इसमें से मेन मसला था, इशू तो ख़त्म के बहुत खुली वासी पार्किंग रखी है, कि एक गाड़ी का बड़ा मसला होता है लोगों को, गाड़ी कैसे खड़ी करे तो खाने भी ठीक से नहीं खाते। हमने उस मसले को ख़त्म किए, बहुत खुली पार्किंग और साफ़ सुथरी पार्किंग रखी है, एक साफ़ सुथरा माहौल है, एक शहर से दूर है और पहाड़ों के दरमियान में एक पुरसकून सा माहौल है, कोई गिर्द गुबार नहीं है। तो मैं भी आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जितने भी मुझे इस न्यूज़ चैनल पे स्क्रीन पे मुझे देखना चाहते हैं, तो जितने भी टूरिस्ट हैं कराची से आते, लाहौर से आते, बल्कि पूरे पाकिस्तान से आते हैं, वो आए हमारे IKR इनाम खान रेस्टोरेंट को विज़िट करें और देखें कि इनको अच्छा भी लगेगा और मज़ा भी आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम है रशीद गुल, मैं पिशावर से आया हूँ। यहाँ पे मैं पिशावरी कबाब बना देता हूँ और लोग यहाँ से बड़ी तादाद में लोग आते हैं, और जिसने एक दफ़ा ये कबाब टेस्ट किया हुआ है वो बार बार आया हुआ है। इधर जो है ना कबाब, हम ताज़ा बीफ गोश्त लाते हैं, अपना ख़ुद कीमा बनाते हैं, और आयल जो है ना दिन में दो दफ़ा चेंज करते हैं, आयल में बनाते हैं। इंशाल्लाह अगर जो कबाब का शौकीन होगा, अंडे वाला कबाब हो, मगज़ वाला कबाब हो, सब कुछ हम बना सकते हैं। इंशाल्लाह आप आ जाएं, एक दफ़ा ट्राई कर ले, जायका चेक कर ले, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा।
इतनी अच्छी ईजी एसेस और पार्किंग और यहाँ पे फैमिली कैबिनेट्स वगैरह और हॉल वगैरह का देखा मायना किया, बड़ा अच्छा है। और ये होटल जो मरी रोड से लेकर मरी चौक से लेकर गलियात तक और एबटाबाद बाईपास जो हवेलियन से शुरू होता है और गलियात तक का बाईपास जो सा है उसके दरमियान इतना मियारी होटल और इतना अच्छा खाना मेरे नज़र से नहीं गुजरा अभी तक। चिकन दे मूँग सरा दलता चिकन कढ़ाई मिलावेगी, मटन कढ़ाई मिलावेगी, चिकन सीख मिलावेगी, मटन सीख मिलावेगी, साबुत दुम्बा मिलावेगी, कड़ा दम पोख मिलावेगी, पतीला दम पोख मिलावेगी, तासु कवले शिशल तुम सरा से ताज़ा ताज़ा परिश मूँग सरा से मिलावेगी, जे सरा सरा मूँग सरा काबली पुलाव भी मिलावेगी, बीप की मूँग पकाओ मूँग सरा चपली कबाब मिलावेगी जी, बीफ की मिलावेगी।